आप 18 साल से आपका कहना है कि आपके पाँव में दर्द चल रहा था। वेलकम फ्रेंड्स, आज ये मेरे पास पर्स है मैम का और ये वीडियो यहीं से स्टार्ट होता है। मैम का नाम क्या है? प्रज्ञा पांडे जी। मुझे लोअर बैक में पेन था लास्ट 4 इयर्स से और वो मेरे लेग्स तक स्पेड हो चुका था। सो ये मेरा थर्ड सेशन था और मेरे को काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। दिस वॉज माई थर्ड सेशन और आगे भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप होली खेलने के सी अलावा, एस पैरेंट हाँ सी एस एस पैरेंट, आपके पाँव में, यानी कि अभी आप 22-23 साल के होंगे, या तो आप 18 साल से आपका कहना है कि आपके पाँव में दर्द चल रहा हाँ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से। था। आप कुछ खेलते भी थे या सिर्फ पढ़ाई करते थे? नहीं, मैं स्कूल टाइम में खेल रही थी, उसके बाद ग्रेजुएशन में। तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट मेरे आने से पहले, यहाँ पे आने से पहले तक किया है? कुछ खास नहीं, जब शुरू में पेन हुआ था तो एक डॉक्टर के पास जाके जस्ट पेन किलर्स लिए थे। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑपरेज कुछ हुआ नहीं था, बस हॉट पैक्स के साथ सिकाई करके। और तो आप कायरोप्रैक्टिक में मेरे पास इस एक्टिव प्लस में क्यों आए? आपको ऐसा क्या लगा जो लोगों को मैसेज भी जाना चाहिए कि व्हाट ड्रू यू टू एक्टिव प्लस और कायरोप्रैक्टिक? ऐसा क्यों आपको सिग्निफिकेंटली लगा कि आपके पास आपको यहाँ पे आना चाहिए? एक्चुअली अभी ऑफिस टाइम जो मेरे वर्किंग आवर्स थे उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था। सो मैंने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 साल पहले, एक ओके टेस्ट की वीडियो देखी, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि आपके क्या क्या मेथड्स हैं। और मैंने एक दो और यूट्यूब वीडियोज़ देखी, गूगल पे सर्च किया कि कायरोप्रैक्टर का काम क्या होता है और कैसे वो एडजस्ट कर सकते हैं आपकी मसल्स को, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई कि जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का वो खत्म होगा तभी आगे कुछ हो सकता है। तो साउंड्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड दैट रूट कॉज खत्म होगा। सो रूट कॉज तो लाइफ है, लाइफ खत्म नहीं हो नहीं, सकती। पेंस जो खत्म हो जाएंगे। मसल से जो पेन हो रहा है वो एक्चुअली पेन किलर से नहीं ठीक हो सकता। तो हम कायरोप्रैक्टिक में जो मेन, जो मेरे क्लिनिक में थेरेपीज का पर्पस है, ट्रीटमेंट का जो पर्पस है, वो ये है कि हम हील करते हैं। हम किसी भी चीज़ को सबसाइड नहीं करते आज के लिए। अगर हम आपको कपिंग कर रहे हैं तो उसका पर्पस है, हम आपको नीडलिंग कर रहे हैं तो उसका पर्पस ये है कि आप आपकी स्किन, आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स रिलीज करके हील होना स्टार्ट हो। यही सिग्निफिकेंटली हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं। उन सारे यंग स्टूडेंट्स, ऑफिस गोइंग बोथ मैन एंड वुमेन के लिए मैसेज है, अगर आप किसी भी तरह से कम हो या ज़्यादा हो तो पेन का बढ़ने का इंतजार ना करें। आप किसी भी अपने आसपास, आजकल तो मुझे बता रहे हैं बहुत सारे कायरोप्रैक्टर्स हो गए हैं थैंक्स टू अवर वीडियो, एंड यू कैन अप्रोच देम एंड यू नो आस्क फॉर द ट्रीटमेंट एंड दे शुड हेल्प यू। एंड आई वुड गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल द फिजियोथेरेपिस्ट हु आर वर्किंग आउट देयर, प्लीज स्टॉप यूजिंग द मशीन्स नाउ, स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन द मशीन्स, योर हैंड्स आर मोस्ट प्रीशियस। आप अपने हाथ से थेरेपिस्ट पेशेंट को जब देखेंगे उसको कोई भी नहीं रोक सकता ठीक होने के लिए। एंड आई विल शो यू द एडजस्टमेंट, कम अगेन, लाइन ऑन योर स्टमक, हाँ उठा लीजिए, हाँ शूज इज फाइन, शूज इज फाइन, जस्ट द हेडफोन्स, इट डजंट बदर यू ऑन योर चेस्ट, हैंड्स ऑन द साइड, प्लीज। नाइस, दिस इज द डोर्सल एंड इट्स ओपन नाइसली, टर्न करेंगे नीचे वाला स्ट्रेट, इसको बेंड करेंगे, feel relaxed, easy, 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 easy. Just relax, jitna neck niche rahega utna better hai, easy, easy, it will not break, don't worry, easy, so how's your feeling?
कैसा लग रहा है? Relaxed. Relaxed? Very relaxed. Yeah. Yeah. Would you try to do adjustment on Dr. Yama? Dr. Yama, आपकी adjustment हम करते रहेंगे. So thanks for watching us. You know, please contact, share this video जिसको भी जितनी जरूरत हो. बताएं chiropractic के बारे में, active plus के बारे में, ताकि आप उन लोगों को help कर सकें. Thank you.